चलो बच्चा एक और नया सम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चा ये जो सम हम सॉल्व करते हैं ये दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, एक है सिंपल कैलकुलेशन से और एक जो है फॉर्मूला की हेल्प से। दोनों मेथड इजी है, सब्जेक्ट टू आपको कौन सी इजी रहती है उस पर डिपेंड करता है। मेरा काम है दोनों मेथड को आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करवाना। बच्चा एक सम ये करेंगे उसके बाद इमीडिएटली दूसरा सम करेंगे। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आप जो सम करते हो वो कहाँ पे है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो या अबाउट सेक्शन में पूरा कोर्स का कंटेंट दिया हुआ है, वो भी आप देख लेना तो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या देके रखा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज गिवन। तो यहाँ पे बोला हुआ है एस एन इज इक्वल टू 3n square plus 10n, और उसके बाद बोला हुआ है find out the nth term of AP। क्या ढूंढना है? nth term। तो आप बोलोगे इसका मतलब सर वो बोल रहा है en ढूंढना है, समझ में आ रहा है? वो कुछ भी ढूंढने के लिए बोल सकते हैं, 10 term बोल सकते हैं, n term बोल सकते हैं, sum of 20 sum बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमें चाहिए क्या, तो आप शांति से देखोगे बच्चा तो an plus मतलब an is equal to a plus n minus 1 into d। आपको ये a चाहिए d चाहिए वो आपको समझना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर an में अभी हम कैसे सॉल्व करें, तो समझना बच्चा बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे s1 ढूंढ सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर n है वहां पे आपने वो रख लेते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 1 लिख देंगे, यहाँ पे 10 into 1 ये 3 हो जाएगा, ये 10 तो 13 आ जाएगा। आपको वो तो पता है कि sum of n term मतलब first term का total first खुद ही होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि सर s1 जो होता है वो a1 ही होता है, दोनों term equal होते हैं। दो तीन logic clear हो जाएगा तो वो बच्चे को आराम से ये sum solve हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है। same way मैं दूसरा आगे लिखता हूँ, s2 is equal to n की जगह 2 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 3, यहाँ n का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 10 into 2, तो ये 3, ये 4, ये 20, ये 12 plus 20 तो हो जाएगा 32। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आया। तो अभी बच्चा sum of two terms तो आपको माइंड में आना चाहिए कि सर a1 plus a2 की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है? a1 is equal to a2, तो आप बोलोगे s2 तो सर हमें पता है sum of two terms 32, A1 आपने बोल दिया था कि S1 के इक्वल होगा तो ये 13 हो जाएगा, और ये A2 हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे 32 minus 13 is equal to A2, तो आप बोलोगे 30 में से 10 जाएगा तो 22, और उसमें से 3 जाएगा तो 19 is equal to A2 is equal to 19। जैसे 19 मिल जाता है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी रेडी हो गई, सेकेंड टर्म भी रेडी हो गई। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस ढूंढ सकते हैं ए टू माइनस ए वन, ए टू जो है बच्चा हमारा वो 19 है, ए वन जो है वो 13 है, तो हमारा 6 जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? डिफरेंस डी जो है कॉमन डिफरेंस वो डी आ गया। जैसे डी आ जाता है बच्चा तो अभी आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, एस एन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ई जो है बच्चा वो आप बोलोगे सर हमें पता है फर्स्ट टर्म 13 है, यहाँ पे n तो हमें लिखना नहीं है, d है वो 6 है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 6n माइनस 6, 13 में से 6 जाएगा तो 7 प्लस 6n होगा। तो आप बोलोगे सर ये आपने nth टर्म ढूंढ लिया जो हमें ढूंढने के लिए बोला गया था। बच्चा ये प्रोसीजर में दो पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला बच्चे को पता होना चाहिए एस वन इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू जो भी आएगा वो, और S2 ये बच्चे को समझ में आ गया तो वो आराम से सम सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो बच्चे को ये कंसेप्ट में थोड़ा भी डाउट है तो उसको नहीं चलेगा बच्चा। तो ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये दो पॉइंट होगा बाद में, तो सिंपल कैलकुलेशन ही है जो ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चा Sn जो है वो प्लस में, तो यहाँ प्लस लिख देना है तो ये गलती ना हो बच्चा, छोटी छोटी मिस्टेक ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप बोलोगे एन माइनस वन Sn मतलब एस एन माइनस वन, ये बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट डाउट आते हैं तो ये पॉइंट पे बहुत आते हैं। जहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चा एन है वहां पे एन माइनस वन लिखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थ्री का थ्री एन माइनस वन का होल स्क्वायर,
जहां जहां n वहां वहां n माइनस वन, तो यहां पे हमने n माइनस वन लिख दिया। ये पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर होते ही बच्चा यहां पे लिखोगे 3, यहां n की जगह आप बोलोगे n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो ये आपने बोला n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यहां पे हमने शुरू किया तो 10n माइनस 10, 10n माइनस 1 करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे ही ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अभी मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ये 3 के साथ करोगे तो 3n स्क्वायर, यहां करोगे तो 6n, यहां पे करोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 10n माइनस 10। ये पॉइंट होते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे 3n स्क्वायर अकेला ही है, तो हमने लिख दिया 6n, और यहाँ पे है आप बोलोगे 10n, तो फाइनल लिखोगे 4n, और यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 7। क्या लिखोगे बच्चा? माइनस 7, माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। तो इसके बाद बच्चा आप बोलोगे अभी हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा an इज इक्वल टू sn माइनस, यहाँ पे आपको लिखना है sn माइनस sn माइनस 1, तो sn तो एज इट इज आ जाएगा यहां से लिख के 3n स्क्वायर प्लस 10n। तो ये स्टेप तो बच्चे को आता ही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा sn की जगह, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 7। ध्यान में रखना बच्चा, सर ने माइनस की साइन एक्स्ट्रा रखी हुई है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो 3n स्क्वायर प्लस 10n, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा तो 4n प्लस 7 एक्स्ट्रा। मतलब आपको बोलना है कि ध्यान वहां प्रिकॉशन ज्यादा रखना है। तो आप बोलोगे सर ये n स्क्वायर तो कट हो जाएगा, ये प्लस है 3, ये माइनस 3 है, यहाँ पे 10n है और यहाँ पे 4n है, तो ये हो जाएगा कितना 6n, और यहाँ पे आप बोलोगे सर अभी खाली प्लस 7, तो ये आ गया हमारा an। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से भी आ गया और हमारा कैलकुलेशन दोनों में सही आएगा। ये फॉर्म में लिखना है तो 7 प्लस 6n कर दो, वो आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट। प्रॉपर नोटबुक लिखना बच्चा, तब जाके ये क्लियर होगा। सेम वैसा ही एक सम कैलकुलेशन हम फिर से करेंगे जो आपको क्लियर करवा देगा कंसेप्ट और, तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक लॉजिक के साथ, नए एक सम के साथ।